12 फरवरी की शाम करीब 6 बजे सूरत के कामरेज इलाके में 20 साल के फैनल पंकज गोयानी ने 21 साल की करिश्मा को सरेआम सबके सामने रचना सर्किल के पास जकड़ लिया। उसके हाथ में धारदार चाकू था जो उसने करिश्मा के गले पर रखा हुआ था। ये सब कुछ करिश्मा के घर के नजदीक ही हो रहा था, लिहाजा शोर शराबा सुनकर उसके घर वाले भी बाहर आ गए और उसे बचाने के लिए दौड़े। लेकिन फैनल सबको धमकी दे रहा था कि दूर रहो वरना सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इस दौरान सैकड़ों लोग उसे घेरे हुए थे। किसी ने भी करिश्मा को बचाने की कोशिश नहीं की सिवाय करिश्मा के भाई ध्रुव और चाचा सुभाष के। इसी बीच फैनल को भी लगा कि वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा और बात अब उसके हाथ से निकलने लगी है, लिहाजा उसने उसी धारदार चाकू से करिश्मा का गला रेत दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये कहानी है सूरत की। आरोपी और पीड़िता एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। फैनल गयानी की इच्छा थी कि वो करिश्मा बेकारिया के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन युवती और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया। शनिवार की शाम करीब 6 बजे महिला के चाचा ने फैनल से बात की और उससे दूर रहने को कहा। जब फैनल ने युवती से मिलने की कोशिश की तो उसके चाचा ने उसे रोका। फैनल ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया। उसके बाद जब करिश्मा और उसके भाई बाहर निकले तो गयानी ने युवती का गला रेत कर हत्या कर दी। फिर उसने युवती के भाई को भी घायल कर दिया और अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। सूरत पुलिस के एक अधिकारी से बात की जिन्हें इस घटना की जानकारी थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों न सिर्फ एक ही समुदाय से हैं बल्कि एक ही जाति के भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।